नमस्कार दोस्तों, आरके टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं घर में लगे हुए पैनल बोर्ड के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पैनल बोर्ड लगा, इसमें आप देखेंगे तो दो मेन एलईडी आई है, यहाँ पे आप देखेंगे दो वायर है, एक न्यूट्रल का और एक फेस का रेड। अब इसमें ज्यादातर रेड कलर को फेस माना जाता है, न्यूट्रल ब्लैक कलर को माना जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसे एक कटआउट है, इसमें इंडिकेटर जल रहा है। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो मेन पोल से लाइट आ रही है यहाँ तक है, लाइट है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इसे कटआउट होगा, इसको ऑन और ऑफ भी किया जाता है। अगर इसको आप ऑफ कर देंगे ऊपर की तरफ करेंगे तो नीचे घर की जो सप्लाई रहेगी कट जाएगी, लेकिन इंडिकेटर हमेशा जलता रहेगा क्योंकि इंडिकेटर में डायरेक्ट लाइट को दिया जाता है। फिर यहाँ से इसको ऑन भी कर सकते हो। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे दो फ्यूज लगा, दो फ्यूज 16 एम्पियर का फ्यूज है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 5 पिन सर्किट लगा, 5 पिन सर्किट है। उसके बाद यहाँ पे भी एक 5 पिन सर्किट है, एक इधर और दो बटन है। तो यहाँ पे 5 पिन सर्किट क्यों लगाया जाएगा, लगाया गया है तो सब कुछ बताने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका फुल प्रैक्टिकल बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इससे मैं पहले बीच बोर्ड को देख रहा हूँ, खोल रहा हूँ। उसके बाद तो यहाँ पे पहले आप देख लीजिए कि ये वायर गया कहाँ है। वायर आप देखेंगे तो एक स्टेबलाइजर लगा है, यह वायर एक स्टेबलाइजर में गया है, जो ये एक केवी का स्टेबलाइजर है। इस स्टेबलाइजर का कार्य होता है कि हमारे कमरे में कितनी लाइट आ रही है, हमारे कमरे में कितनी लाइट आ रही है वह बता रहा है। तो वह लाइट को देख सकते हैं। तो इस समय आप देखेंगे 220 लाइट है, तो यह आउटपुट पे आ रही है। अगर पता किया जाए कि इनपुट में कितनी लाइट है, तो इनपुट आप बटन को ऊपर की तरफ कर देंगे तो इनपुट हो जाएगा। तो इनपुट में आप देखेंगे तो लाइट जो भी लाइट है 120 लगभग आ रही है। उसके बाद देखेंगे कि स्टेबलाइजर के पीछे एक आउटपुट बना होता है, स्टेबलाइजर के पीछे आउटपुट बना होता है जिससे हम घर की सप्लाई को देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेबलाइजर के पीछे एक आउटपुट बना है, यहाँ पे एक 5 पिन सर्किट है, आउटपुट है। तो इसको अभी आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो इसको आप निकालेंगे तो यहाँ से जो भी रहेगा आउटपुट कट जाएगा। तो उसके बाद यहीं पे एक इन्वर्टर भी लगा, इन्वर्टर भी कनेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ल्यूमिनस का इन्वर्टर है। अब देखेंगे यहां से देखेंगे तो ये मेन लीड इसकी लगी है कहाँ पे, आप देखेंगे पैनल बोर्ड में लगी, और स्टेबलाइजर का एक वायर लगा और एक मेन लीड लगा। तो यहाँ पे आप देख, उसके बाद हम इसको चलिए वायरिंग कैसे हुई सब कुछ बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको आप निकाल लेंगे वायरिंग कैसे हुई इस बोर्ड में, आप देख सकते हैं। तो जो भी आया पहले आपके पैनल बोर्ड में लाइट आई है, फिर देखिए फ्यूज से डायरेक्ट देख सकते हैं 5 पिन सर्किट में गई है। 5 पिन सर्किट से अब देखिए 5 पिन सर्किट से होते हुए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 5 पिन सर्किट से स्टेबलाइजर में गई, स्टेबलाइजर से देखेंगे तो जो आउटपुट आ रहा है वायर का, एक आउटपुट यहाँ से आप देख सकते हैं वायर आ रहा, तो आउटपुट से यहाँ पे जो भी 5 पिन सर्किट नीचे बनी है तो वहां पे सब कनेक्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आउटपुट बन के इस 5 पिन सर्किट में आया, इस बटन में भी है, यहाँ इसमें वोल्टेज इसलिए यहाँ पे लगाया गया है, यह स्टेबलाइजर से लाइट आ रही है, स्टेबलाइजर से होते हुए इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए कि ताकि लाइट जो हमारी बराबर इसको मिलती रहे, इसलिए स्टेबलाइजर से लाइट यहाँ तक ला के इस स्टेबलाइजर में लाइट को इन्वर्टर में कर दिया गया ताकि जो इन्वर्टर हमारा अच्छे तरीके से चार्ज हो सके। तो इस तरह इसका कनेक्शन होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।